इंद्री बीडीपीओ सभागार में एक दिवसीय खंड स्तरीय फसल अवशेष प्रबंधन एवं कृषि यंत्र प्रोत्साहन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में पुरुष किसान व महिला किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीडीए करनाल डॉक्टर आदित्य प्रशांत डबास ने शिरकत की। इस मौके पर डीएचओ डॉक्टर रणबीर मान, डॉक्टर विजय अरोड़ा आदि विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर अतिथि गणों का बुके देकर स्वागत किया गया। इस मौके पर किसानों से प्रश्नोत्तर भी किया गया और सही जवाब देने वाले किसान को पुरस्कृत किया गया। डीडीए डॉक्टर आदित्य ने फसलों के अवशेष न जलाए जाने के बारे में किसानों को प्रेरित किया और फसल के अवशेषों को प्रयोग करने की विधियां बताई। आज का ये कार्यक्रम भी ब्लॉक में किया गया है। इस तरह के हमने सभी प्रोग्राम जो है करनाल के प्रत्येक खंड में आयोजित किए गए हैं और इसका मुख्य उद्देश्य है जैसे धान की फसल कटने के बाद कोई भी किसान भाई जो पिछले सालों से परंपरा चली आ रही है फालों में आग लगा देते हैं, उन फालों में आग ना लगाएं, उसके लिए एक विशेष अभियान हमने प्रत्येक गाँव में जाकर भी चलाया है और खर्च कर भी चलाया जा रहा है और ऐसी मशीनों का प्रदर्शन किया जा रहा है जो किसानों को 80% और 50% सब्सिडी पर दी जा रही है। और इतना ही नहीं, हम किसानों को ये भी इसमें आग्रह कर रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं, अनुरोध भी कर रहे हैं कि आप आएँ और अपनी जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में जो मशीनें लेना चाहते हैं वो अपने खंड में प्राप्त करें, वो प्राप्त करके उसका जो अनुदान राशि होगी वो 10 दिन के अंदर ही उनको उनके खाते में दे दी जाएगी। सरकार की तरफ से पूरे जिले में इस साल 120 CHC कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इंद्री ब्लॉक में 20 कस्टमर हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन कस्टमर हायरिंग सेंटरों पर वो सभी मशीनें होंगी जो गेहूं जो फानों को प्रबंधन के लिए जरूरी है या जो गेहूं की बिजाई के लिए जरूरी है या जिनसे आग से निकला जा सकता है, वो सभी इस तरह की मशीनें जो है 80% अनुदान पर ब्लॉक में दी गई हैं। हम अब जिले की बात करें तो 12.5 करोड़ रुपये जो है इस जिले के लिए तैयार किया गया है और सभी ब्लॉकों में इस तरह की मशीनें जो है वो स्थापित हो चुकी है। मुंह बनाने की जहां तक बात है उसकी तिथि जा चुकी है। समूह एक किसानों का 8 व्यक्तियों का एक समूह है जो कि महिला किसान भी हो सकती है, ऐसी कैटेगरी किसान भी हो सकती है या दूसरे किसान जो दूसरी श्रेणी से आते हैं वो भी हो सकते हैं। वो एक 8 किसान कोई भी 8 किसान एक समूह बना करके उसको अपने GMTIC के में जाकर रजिस्टर्ड कराएं और रजिस्टर्ड जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी सोसाइटी का एक पैन नंबर और अपना एक खाता खुलवाएं और वो कोई भी इसी तरह का ग्रुप जो है वो इस अनुदान के लिए पात्र है और वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन यह योजना क्योंकि अगले 1 साल खत्म हो चुकी है, हमारे पास 120 का जो टारगेट था 156 ऐसी सोसाइटी आई जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया हो चुकी है और लोगों ने मशीनी खरीद भी ली है। तो अपने इंद्री अब कैसे भी किसी की सोसाइटी है, मैंने पहले बताया कि इंद्री में इस साल 17 कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और 3 इससे पहले पिछले साल किए गए थे। टोटल 20 ऐसे कस्टम हायरिंग सेंटर इंद्री के अंदर हैं जिनके पास ये सभी तरह की मशीनें उपलब्ध हैं। सरकार ने कड़े सिंगल होते पिछले साल भी काफी के चलान भी कटे हैं, फाइन भी इम्पोज हुआ है और अब के बाद और सीरियसली इसको लेते हुए कि ऐसा कुछ ना करें जिम्मेदारों को मैंने इस बारे में अवगत कराया है कि अगर आप ये ऐसा कुछ करेंगे तो ऑफिसर कोई भी कुछ भी चाहते हुए नहीं कर सकता क्योंकि सेटेलाइट से आ रही है पिक्चर्स। और हमने एक इसमें कमेटी भी गठित करी है जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी और पटवारी होंगे, ग्राम सचिव होंगे और एक ऑफिस कानूको होंगे हमारे या कानूको होंगे फील्ड के, क्योंकि वो इस कमेटी पे कहीं भी आग लगती है उसके बारे में रिपोर्ट तुरंत उसी देने के बारे में सरकार ने कहा है। हमने अवेयरनेस कैंप के बारे में भी करा है कि हमारी तरफ से जैसे पटवारी कानूको भी और ग्राम सचिव भी वीडियो ऑफिस से भी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से भी हम ये सभी लोग मिलके एक अवेयरनेस कैंप हर एक गांव में तकरीबन लगाएंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि इससे क्या क्या नुकसान है, क्यों ऐसा ना करें। और ये जो उपकरण है बहुत अच्छी खासी सब्सिडी पे, जैसे कि बताया 80% और 50% सब्सिडी पे है तो इनका लाभ उठाना चाहिए। अगर कोई उपकरण नहीं ले सकता तो उनके 3 सेंटर पिछले साल जैसे DHC साहब और 17 ये है वो हायर्ड बेसिस पे यानी कि किराए पे ले सकते हैं वहाँ से और जो जिसका किराया बहुत नॉमिनल होगा तो किराए पे अपना काम कर सकते हैं अगर उपकरण नहीं ले सकता। सभी से यही अनुरोध रहेगा कि माने ना जलाए भी कोई सिक एक्शन हो मैं भी नहीं चाहूँगा। धन्यवाद। किसानों को जागरूक करने के लिए मेन उद्देश्य यही रहा है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, माने ना जलाए जाए और हम सभी किसानों को आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि माने ना जलाए और सरकार ने जो FPO वगैरह बनाए और सब्सिडी प्रोग्राम चलाया किसान भाई उसका फायदा उठाए और किसान ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी लेने का वो करें। किसान भाई आप समझ एक दूसरे संपर्क करके इस मशीनरी को यूज करें, किराए पे लें। FPO का मेन उद्देश्य ही यही है किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फायदा उठाना।